नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। अब इस वक्त एशिया कप की चर्चा और एशिया कप में भी भारत और पाकिस्तान के बीच जो मुकाबला होना है 28 तारीख को, उसकी इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। चर्चा इसलिए भी ज़्यादा हो रही है क्योंकि पाकिस्तान की टीम को झटका लगा है। शाहीन शाह अफरीदी मैच से एशिया कप से बाहर हो गए हैं। अब शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान की टीम में खेलते हुए नज़र नहीं आएंगे। अब शाहीन शाह अफरीदी के बाहर होते ही पाकिस्तान को झटका लगा, लेकिन पाकिस्तान बिलबिलाने लगा, पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी रोने लगे और अब अपनी जो हताशा है, जो निराशा है, अब वो सोशल मीडिया के जरिए वो बाहर दिखा रहे हैं। अपना जो परेशानी है अब वो सोशल मीडिया के जरिए बाहर दिखा रहे हैं और शाहीन शाह अफरीदी को लेकर अब पाकिस्तान ये सोचने लगा है कि अफरीदी के बाहर होते ही पाकिस्तान की टीम बहुत कमज़ोर हो गई है और अब टीम इंडिया उसे आसानी से हरा देगी। दरअसल वकार यूनुस का एक कमेंट आया है सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर उन्होंने एक ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि शाहीन शाह अफरीदी के बाहर होने के बाद टीम इंडिया के शीर्ष क्रम को राहत मिलेगी, रिलीफ मिलेगा और उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को चैंपियन बताया। ठीक है, हम ये मानते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी आपके चैंपियन है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एशिया कप में शाहीन शाह अफरीदी विकेट चटकाते। ये जरूरी नहीं है कि इस बार भी शाहीन शाह अफरीदी उसी तरीके से कहर भर पाते। इस बार भारतीय टीम पूरी तैयारी के साथ थी, इस बार हार्दिक पांड्या पूरे बेहतर फॉर्म में थे, पिछली बार की तरह नहीं थे। इस बार रोहित शर्मा, केएल राहुल, शाहीन शाह अफरीदी को धूल चटाते, लेकिन वकार यूनुस देखिए अपनी जो हताशा है, जो निराशा है, उसको कैसे छुपाएं। और अब इसी तरीके से सोशल मीडिया पर लगातार पाकिस्तान के जो फैंस हैं वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि कोई बोल रहा है कि मोहम्मद आमिर को लाइए, कोई बोल रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी को लाइए, कोई बोल रहा है कि भारतीय बल्लेबाजों को राहत मिली है। लेकिन ठीक है, आपका खिलाड़ी बाहर हुआ है, आपका गेंदबाज बाहर हुआ है, लेकिन टीम इंडिया को भी इतना कमजोर मत समझिए जनाब। टीम इंडिया के पास भी बल्लेबाजी की ताकत है। टीम इंडिया का भी गेंदबाज बाहर हुआ है, जसप्रीत बुमराह। भारतीय खिलाड़ियों ने तो कभी नहीं कहा, भारतीय पूर्व खिलाड़ियों ने तो ये नहीं कहा कि जसप्रीत बुमराह के बाहर होने के बाद टीम इंडिया कमजोर हो गई या फिर पाकिस्तान को रिलीफ मिला। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी के बाहर होने के बाद पाकिस्तान ऐसा क्यों कह रहा है? ये बौखलाहट है, ये हड़बड़ाहट है और ये पाकिस्तान की हताशा है, इसलिए पाकिस्तान इस तरीके की बातें कर रहा है। तो आपका वकार यूनुस के इस बयान पर क्या कहना है, जो उन्होंने बोला है कि भारतीय बल्लेबाजों को राहत है, इसे आप किस तरीके से देखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।